सेल्फी लेते हैं। दिखाओ 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 खाओ। ये अच्छे आएंगे। हाँ, देखो बहुत अच्छे आएंगे। अदन बाजी आप हमें छोड़ के चली जाएंगी तो हम कैसे रहेंगे आपके बगैर। अदन बाजी मैं आपको बहुत याद करूंगी। मैं भी तुम लोगों को बहुत याद करूंगी। सीमा गुल्लू सारे लोग की चले गए, खिलारा उसी तरह पे है। तुम लोग इधर बैठे फोटो बना रहे हो। जाओ जाके कपड़े शपड़े तब्दील करो। जाओ आ जाए आप भी। जी नहीं बात करनी है मैंने दुर्योधन से। जाओ तुम लोग मैं लेकर आती हूँ। बड़ा ही सोना जोड़ा है। वावा पैसे लगाए हैं सफिया ने। लगता है उसने लाहौर से बनवाया वो की कहते ने डिजाइनर। जी बड़ा ही अच्छा नसीब है तेरा मेरा तनवीर। तेन पता है ना दुर्योधन तेरे माँ बाप के मरण तो बाद हमने तेरी जिम्मेदारी उठाई, तेरा ख्याल रखा, तुझे संभाला। मेरी चीमा गुल्लू दे तुझे अपनी बड़ी बहन समझते हैं, बड़ा प्यार करते हैं तेरे से। मैं भी तेरा बड़ा ख्याल रखती हूँ। लोगों के तो बहुत एहसान है मुझ पे ताई जी। तेरी ताई बड़ी तकलीफ में है पुत्र। फुलस ने मेरे तनवीर को कैद किया। तेरी तो बड़े आदमी से शादी होने जा रही है ना, तू मेरे तनवीर के लिए बहुत कुछ कर सकती है। तू ना तबरेज से कहना बल्कि जिद करना कि वो इस सिलसिले में ना हमारी मदद करे। नई नवेली दुल्हन की फरमाइश पूरी करना दूल्हा अपना फर्ज समझता है। वो तुम्हें इनकार नहीं करेगा, तेरी हर बात मानेगा। मैं तो तेरी माँ जैसी हूँ ना, मेरी तकलीफ का एहसास करती, हर वक्त हमारा ध्यान अपने बच्चे तनवीर की तरफ रहता। पता नहीं तेरे तायाबा किस तरह हौसला करके ये सब कुछ तेरी खुशी के लिए किया, इसलिए कि तेरे दिल में कोई अरमान न रह जाए और तू ऐ ना समझे कि तेरे अपने माँ बाप नहीं। तेरी खुशी के लिए सीने पे पत्थर रख के हम भी तेरी खुशी में शामिल हुए। पर सच तो ये है कि हम दोनों अंदर से बुरी तरह से टूट चुके हैं, अपने पुत्र की वजह से टूट चुके हैं। आ रही हूँ। आ जाना फिर तू है। आ रही हूँ सब्र कर लो। स्वीटी, क्या बात है आजकल घर पे रहती हो कि बाहर नहीं जाती? दोस्तों से कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो गया? ऐसी कोई बात नहीं है डैड। एक्चुअली तब्रेज़ आउट ऑफ सिटी गया हुआ है, तो बस मेरा भी कहीं जाने को दिल नहीं करता। हाँ, अच्छा, What happened, Dad? क्या सोचने लगे आप? आपको मेरी और तब्रेज़ की दोस्ती पे कोई एतराज तो नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। समझदार लड़का है, and I see a very bright future ahead of him. I know. मुझे भी ये लगता है। इनफैक्ट कुछ कहना चाह रही? आप मुझे जानते हैं, मैंने आपके ऑफिस में तब्रेज़ को यूं ही जॉब नहीं दिलवाई। मैं किसी पे इतना मेहरबान नहीं होती। डैड, मैं पसंद करती हूँ उससे। जानता हूं। सुंबुल की कॉल। हेलो, हाय। हाँ सुंबुल। हाय तब्रेज़, आई हैव अ ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर यू। आई एम सो हैप्पी। क्या? तब्रेज़, ओ पुत्र तू ये क्या कह रहा है? वो तेरा दिमाग तो ठीक है, एन शादी के वक्त कह रहा है कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। पर मैंने आपसे कहा है ना, मेरी मजबूरी है, मैं ये शादी नहीं कर सकता और ये फैसला मेरा अटल है। प्लीज मेरी बात को समझे। खुदा का वो नाम ले, तू ये क्या कह रहा है? सारी बिरादरी इकट्ठी हुई हुई है, लोग हमारी इतनी इज्जत कर रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं हमारे पे, क्यों हमारे मुंह पे थू थू कराना चाहता है? और देखो तब्रेज़, और देखो पुत्र, मेरी बात को समझने की कोशिश कर बेटा। तेरी बहन जो है अभी ब्याही नहीं गई, घर बैठी है। पारफी का जो लंदन में पुत्र रहता है ना, मैंने उसके साथ उसका रिश्ता सोचा है पुत्र, मेरा तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। अब्बा आप मेरी बात भी तो सुन ले एक दफा। इस वक्त बातें सुनने का समझने का कोई टाइम नहीं है बेटा। वो रहीला 3 दफा आ चुकी है मुझे बुलाने की। पारफी का गए आ जाओ। बिस्मिल्लाह वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? क्या हाल है? बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों। पारफी का आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अब आखिरकार भतीजा है आपका। याकूब भाई आपने बहुत नेकी का काम किया है, हर तरफ आपकी तारीफ हो रही है। अब बस पारफी ये तो अल्लाह जिसे तौफीक दे, हमारी क्या औकात। हम तो इंशाल्लाह दुरे अदन को बहू बना के नहीं रखेंगे, हम तो अपनी बेटी बना के रखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बिल्कुल, क्यों नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी सोच है आपकी। वो आपके बेटे जो लंदन वाला था उसका फोन शूट तो आता होगा, है वीडियो कॉल वगैरह करते होंगे आप लोग? हाँ जी हाँ, वीडियो कॉल पे बात होती है उससे, फोन करता रहता है जी। मेरा बड़ा ही फरमाबरदार बेटा है जी। पारफी मैं तो कहता हूँ अपने बेटे की ना अब शादी कर दें, कि ऐसा ना हो वहाँ पे किसी के हत्थे चढ़ जाए। नहीं जी नहीं, किसी के हत्थे नहीं चढ़ सकता वो। मैंने तो जी उसके दिमाग में ये बात बिठा दी है कि उसकी शादी तो पाकिस्तान में होगी। जिंदाबाद भाभी जी, जिंदाबाद। उफ़ल्ला मेरी टोकरियां यहाँ पड़ी हुई हैं। जी चाची को सलाम करो है। चाचे तुम्हारे कितनी सोहनी होगी ती रानी। जूही कितनी बड़ी होगी माशाल्लाह। बस पारफी मेरी बेटी ने सिर्फ कद नहीं निकाला, बड़ी समझदार बेटी है मेरी। जूही पुत्र मेहमानों को नीचे लेके जाओ है, एसी वाले कमरे में बैठाओ। पारफिक आप चले और खातर मदारत पूरी करनी है, किसी चीज की कमी ना हो। पारफिक आप बैठो, हम आ रहे हैं। बातें भी करती रही साथ साथ। खुदा का वास्ता है तू क्या बात तो समझे आप। तो यार तू हमारी बात समझ, खुदा का वास्ता जल्दी कर, जल्दी पहन। मैं नहीं, मैं कह रही हूँ फटाफट पहना। क्या पुत्र बात समझने की कोशिश कर, पहन इसे यार। नहीं पहननी, मैंने कैसे समझाऊं मैं आप लोगों को, नहीं कर सकता मैं ये शादी। डैड, थैंक यू सो मच। तुम्हारे लिए तबरेज जैसा लड़का ही होना चाहिए, हर लिहाज से बेहतर है तुम्हारे लिए। खुश रहो। सुंबुल कोई आम लड़की नहीं है, शहजादियों की तरह रहती है वो, और उसका घर घर कम महल ज्यादा लगता है। नौकर चाकर और कई गाड़ियां उसके पास। कितनी गाड़ियां? बहुत है मां। इकलौती बेटी है वो अपने बाप की, और उसका बाप उससे इतनी मोहब्बत करता है ना, इतना लाड करता है, जो वो कहती है चुपचाप मान लेता है। अब मुझे पूरा यकीन है मुझसे शादी करने के लिए सुंबुल ने अपने वालिद को मनाया होगा। उसके वालिद ने उसको शहजादियों वाली लाइफ दी हुई है मां। कभी वो अमेरिका होती है, कभी लंदन, कभी दुबई, हर वक्त घूमती रहती है। हाँ तो कौन सी ऐसी बात है, मेरा बेटा तो खुद शहजादा इतना पढ़ा लिखा, इतना अक्लमंद, इतना खूबसूरत, इतना खूबरू नौजवान, और सेठ साहब को इससे अलावा क्या चाहिए, है ना जी। अगर लाडली है तो खुद सर भी होगी। अगर खुद सर भी हो तो क्या फर्क पड़ता है बा, लेकिन जैसी जिंदगी मुझे सुंबुल दे सकती है ना, ऐसी जिंदगी का मैं सिर्फ ख्वाब ही देख सकता हूं। महल जैसा घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, नौकर, गार्ड्स, बड़ा सा ऑफिस, मैंने सोच लिया है मैं सुंबुल से शादी करूंगा, किसी भी कीमत पे करूंगा। और आपने ही तो कहा था छोटे बहन भाइयों की, इस घर की सबकी जिम्मेदारियां मुझ पे है ना, तो उन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए और अपने ख्वाबों को ताबीर देने के लिए मुझे हर कीमत पर सुंबुल से शादी करनी ही होगी। तो पुत्र मैंने कब इनकार किया है? तो आपको कोई इतराज नहीं है तो मैं जाके जरा बच्चों को बताऊं। ठहर जा, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। तो करे ना पूरी बात। देखो मेरी बात गौर से सुननी है और जज्बाती नहीं होना। देख बेटी, ये जो खुशहाली का ख्वाब तूने अब देखा, यही खुशहाली का ख्वाब तेरे बाप ने उस दिन से देखना शुरू कर दिया था जिस दिन तू पैदा हुआ। अब बस ये किस्मत के खेल है कि तेरे नाम के साथ दुर्योधन का नाम जुड़ गया है और पूरी बरादरी जो है तुम्हारी और दुर्योधन की खुशी की खातिर हमारे भूमि पे बैठी। बस मेरा पुत्र, अब हमें कोई ऐसी चाल चलनी है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और होगा भी ऐसा ही, सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। क्या मतलब? खुल के बात करें ना, समझ ही नहीं आ रही बात की, है ना? चलो फिर मेरी बात गौर से सुन। देखो पुत्र, बंदे दो ब्याह करते और बड़ी दुनिया ने एक ब्याह अपने खानदान की खातिर और दूसरा ब्याह अपनी खातिर किया है। बेटा अगर तू भी ये कर लेगा तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? तो रियतन से ब्याह कर, उसको रख यहाँ और उससे ब्याह कर और अपनी जिंदगी बना। क्या समझा? नहीं अब्बा, मैं दुर्योधन के साथ इतनी बड़ी ज्यादती नहीं करूंगा। ओए नहीं, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। और जब चाहेंगे पुत्र दुर्योधन को तेरी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंकेंगे। तलाक ले तबरेज, अब तो तुझे मानना ही पड़ेगा। लो भाई, सारी डिग्रियां तलीमें सब एक पासे ते तेरे अब्बा जी की जहानत एक पासे। देख कैसा हाल निकाला है। हाय के जावा। शादी के बाद जब मैं उसे तलाक दूंगा तब आपकी बिरादरी नाराज नहीं होगी? ओ बेटा जी, उसकी फिक्र ना करो। वो लड़की को तलाक ऐमी थोड़ी होती है, खाम खा तलाक दे देते हैं ना। वो लड़की के अंदर वडे वडे 100 किस्म के ऐब होंगे तब तो तलाक देंगे। सही क्यों सफिया जी? बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल। मैम रियतन के साथ बस तबरेज, तो फिलहाल ना ये शादी कर ले, बाकी हम संभाल लेंगे। हाँ जी। अच्छा ठीक है, ठीक है। वैसे भी सुंबुल ने कौन सा इस घर में आना है? इसे क्या पता चलेगा कि मेरी पहले शादी हुई हुई है? क्या मतलब? हमारी बहू हमारे घर यहाँ नहीं आएगी? शहजादियों की तरह रहती है वो, और इस छोटे से इलाके में वो आएगी? कभी भी नहीं। चल कोई बात नहीं, उससे शादी करके ना मेरा बेटा सच्ची मुझे का शहजादा बन जाएगा। और तबरेज एक बात सुन ले, मैंने बड़ा वाला हार सोने का लेना है शादी पे, बता देना उनको, है ना? अच्छा ये बता, लड़की दिखने में कैसी है? जैसी भी दिखती हो, मां क्या फर्क पड़ता है। हमें मुश्किलों से निकालने का तो मेरे सारे ख्वाब पूरे करने का हाल यही है। मुझे सुबुल से शादी करनी होगी। और बेटा फिलहाल जो है ना, हर मसले का हल ये है कि बार बरातरी बैठी है, वो तो ये ब्याह कर और पक्का है मेहमानों को। चल जल्दी हो जा, उसके बाद देखी जाएगी। जल्दी हो जा, जल्दी करना कर, अपने प्यो पे भरोसा कर। ऐसी गेम डालूंगा कि बस क्या बस कि जाओ। सोना कितना लग रहा है, शाबाश तो काफी प्यो की। चल मेरा बस, चल 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 चल। वाज गुड। क्लाइंट का जो पॉइंट्स आपको लिखवाए हैं आप उसको मद्देनजर रखते हुए अगली प्रेजेंटेशन बनाइएगा। एंड लिसन, जो मिस्टेक्स आज हुई हैं वो आइंदा रिपीट ही होनी चाहिए। जस्ट होल्ड अ सेकंड, होल्ड अ सेकंड। इकबाल, इकबाल, टाइम देखिए क्या हो रहा है। अभी तक मेरी चाय क्यों नहीं आई? जाइए जाके चेक कीजिए कि मेरी चाय का हम मेक श्योर कि मिस्टेक दोबारा रिपीट ना हो। ओके सर। या कंटिन्यू? नहीं नहीं, आप अगर आपने बना लिया तो उस प्रेजेंटेशन को दोबारा बनाएं और मुझे ईमेल करें, मैं देखता हूँ उसमें क्या मिस्टेक्स हैं। तब्रेज़ इस वक्त? हेलो तब्रेज़। I'm sorry मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ। तुम सो तो नहीं रही थी ना? नहीं, तुम बताओ, तुमने इस वक्त कॉल की, एवरीथिंग इज ओके? क्या बताऊँ, आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हारा ख्याल आता है, आंखें खोलता हूं तो तुम्हें देखता हूं, नींद नहीं आ रही। अच्छा बताएं क्या हाल है जनाब के? यकीनन जब से तुमने मुझे देखा होगा मेरे इश्क में गिरफ्तार होके होगे, मगर कहने से डरते होगे। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम, ऐसा ही है। तब्रेज़, तुमने घर में बात की? I mean, मेरे बारे में बताया? हाँ बताया ना, और खुशी की बात यह है कि मेरे घर वालों को कोई एतराज भी नहीं है। एतराज क्यों करेंगे? हैरान होंगी कि हमारी बेटी की शादी इतने बड़े घर में हो रही है, उन्होंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। मुझे डैड की तरफ से डर था, मगर वो भी मान गए। वो जानते हैं अपनी बेटी को कि कितनी जिद्दी है, अपनी मनवाए बगैर रह नहीं सकती, तो उन्होंने सोचा बहस करने का क्या फायदा। सही किया। अब अच्छा सुंबुल, खुश तो हो ना? ऑफ कोर्स, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तुम जैसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए था। मैं भी यही चाहता था कि तुम जैसी लड़की ही मेरी लाइफ पार्टनर बने, मेरा ख्वाब हो तुम। मैं तो पता नहीं किस किस का ख्वाब हूँ। तुम खुशनसीब हो, तुम्हारा ख्वाब पूरा हो गया। वेल, तुम वापस कब आ रहे हो? हाँ वो आ जाऊंगा बहुत जल्द। तुम वहां बोर हो रहे होगे, राइट? नहीं, मेरा इलाका है बहुत छोटा, लेकिन है बहुत ही खूबसूरत। तुम आना ना यहाँ पे, मैं तुम्हें अपना पूरा इलाका घुमाऊंगा, यहाँ लोगों से मिलवाऊंगा, तुम्हें बहुत मजा आएगा। नो वे, मैं वहां नहीं आने वाली, और मुझे फोर्स भी मत करना। वेल, तुम्हारी फैमिली आना चाहती है यहाँ पे तो वो आ सकती है। ओके, ये भी ठीक है। और हाँ, तुम अब अपने दोस्त के साथ नहीं रहोगे, तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगे। लेकिन सुबुल मैम, ये लेकिन क्या होता है? मैंने कह दिया ना, सो कह दिया। ओके ओके, जो आपका हुक्म। अल्लाह जी, मुझे ऐसे ख्वाब क्यों आते हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। आप तब्रेज़ को अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखिएगा, बस उसे खैर खैरियत से रखिएगा, उसको कुछ ना हो। मेरी शादी बस अच्छे से हो जाए, मैं खुशी खुशी तब्रेज़ के साथ चली जाऊं। आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखें, सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए।